वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 2014 नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद से जिस भी राज्य में चुनाव हुए, बीजेपी ने जनता के सामने डबल इंजन की सरकार की दुहाई दी। हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक बीजेपी नेता डबल इंजन की सरकार बनाने का नारा देते रहे हैं और विकास की रफ्तार दोगुनी करने का दावा करते रहे हैं। साल 2014 के बाद से अब तक देश में 40 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। लोक नीति और CSDS ने इनमें से 31 बार राज्यों में चुनावों से पहले और चुनावों के बाद सर्वे किया। इनमें से 22 सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या डबल इंजन की सरकार में किसी भी राज्य का ज्यादा विकास होता है। देखिए किस राज्य में लोगों ने किस तरह से जवाब दिया। इस सवाल के साथ असम में 41% लोगों ने सहमति जताई और 15% लोग असहमत दिखाई दिए। नेट एग्रीमेंट 26% रहा। केरल में 20% लोग सहमत और असहमत 54% लोग दिखाई दिए, यानी नेट एग्रीमेंट -34% रहा। तमिलनाडु में 11% लोग सहमत और 40% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट -29 दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में 26% लोग सहमत, 33% लोग असहमत, यहां भी नेट एग्रीमेंट -7% रहा। दिल्ली में 40% लोग सहमत और 31% लोग असहमत दिखाई दिए, यहां नेट एग्रीमेंट 9% है। त्रिपुरा में 35% लोग सहमत और 13% लोग असहमत दिखाई दिए और नेट एग्रीमेंट 22% दिखाई दिया। राजस्थान में 45% लोग सहमत और 11% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 34 रहा। नागालैंड में 21% लोग सहमत और 5% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 16 रहा। मेघालय में 15% लोग सहमत और 13% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 2 रहा है। गोवा में 38% लोग सहमत और 8% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 30। हिमाचल प्रदेश में 10% लोग सहमत और 31% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट -21 रहा है। पंजाब में 25% लोग सहमत और 20% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 5 रहा। यूपी में 24% लोग सहमत और 16% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 8 रहा। उत्तराखंड में 40% लोग सहमत और 14% लोग असहमत दिखाई दिए, जबकि नेट एग्रीमेंट 26 रहा। असम में 46% लोग सहमत दिखाई दिए और 7% असहमत, नेट एग्रीमेंट 39 रहा। केरल में 44% लोग सहमत और 19% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 25 रहा है। तमिलनाडु में 39% लोग सहमत और 16% लोग असहमत, नेट एग्रीमेंट 23। पश्चिम बंगाल में 29% लोग सहमत और 6% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 23 रहा। दिल्ली में 29% लोग सहमत और 36% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट -7 रहा है। हरियाणा में 45% लोग सहमत और 11% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 34 रहा। झारखंड में 29% लोग सहमत और 7% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 22 रहा। महाराष्ट्र में 41% लोग सहमत और 10% लोग असहमत दिखाई दिए, नेट एग्रीमेंट 31 रहा है। क्या डबल इंजन की सरकार में ज्यादा विकास होता है? इस सवाल को वहीं समर्थन ज्यादा मिला जहां बीजेपी मजबूत थी, लेकिन कई राज्य ऐसे भी रहे जहां लोगों ने डबल इंजन की सरकार से ज्यादा फायदों के सवाल को नकार दिया। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से डबल इंजन की सरकार के फायदे गिना रही है। मतदाताओं पर इसका कितना असर होगा, ये वक्त बताएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।